अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं बेकरी में केक लेने के लिए, वो किस खुशी में। मेरे दोनों बच्चों का आज हैप्पी बर्थडे है। सबसे पहले विश करना ना भूलिएगा कमेंट में। और जी हाँ जी, दोनों बच्चों का एक ही साथ होता है, एक की 13 है और एक की 14 अप्रैल है। जस्ट 1 दिन का फ़र्क है इन दोनों की सालगिरह में, तो मैं एक ही दिन में हम लोग सेलिब्रेट एक ही दिन में कर लेते हैं। शुक्र है दो बार नहीं करनी पड़ती। तो जी ऊपर से मज़े की बात है, ईद थी, ईद के मौके पे इनकी सालगिरह आ गई। तो वैसे ज़्यादातर ना पीछे इनकी 2-3 सालगिरह रमज़ान में गुजर चुकी थी, तो सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था। बट ये है कि इस दफ़ा ईद में आ गई, ईद का 4th दिन है, तो फिर इस खुशी में खुशी डबल हो गई थी। तो इन्होंने कहा भाई हम जाएँगे केक लेंगे और हम लोग केक जो है ना पार्क में कट करके खाएँगे, हम लोग घर नहीं जाएँगे। हमने कहा चलें ठीक है, ईद है फिर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा पहले जो है ना सिर्फ केक लेने का था कि भाई बेकरी से केक लेके घर आके कट करेंगे, तो फिर इतने में क्या हुआ, प्रोग्राम चेंज हो गया। क्योंकि बाहर निकले शाम में, इतना प्यारा मौसम, इतनी ठंडी हवा कराची में, और ना ईद का मौका था, इतना रश हो रहा था, हर कोई अपनी फैमिली को लेके निकला हुआ था। तो भाई बच्चों का मूड बदल गया, उन्होंने कहा बाबा आज हमारी जो है ना हमें पार्क लेके जाएँ, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, वैसे भी मंडे से स्कूल स्टार्ट है, फिर तो पार्क आप लेके नहीं जाएँगे, आगे वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे, तो आप हमें जो है ना ऐसा करें पार्क ले जाएं, मौसम भी इतना प्यारा है, हम वहीं पर केक कट करके खा लेंगे, हमारी सालगिरह भी हो जाएगी एंड हम थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे। तो इससे अच्छी बात और क्या थी, हम लोगों ने बोला ठीक है भाई। फिर हम लोग पार्क आ गए यहाँ, और पार्क आते आते हम लोग को मगरिब हो गई थी। बट ये कि बच्चों ने इन्जॉय किया, ये चीज़ हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, थैंक यू माय डियर किड्स स्वीट सी। यार पार्क में रश इतना है, इतना ज़्यादा रश है, दो बहना को दो। हमने दूसरा केक लिया था, उसने दूसरा डाल के दे दिया, बट ये दूसरे अंकल का हमें दे दिया उठा के, बट इट्स ओके। पार्क में रश बहुत है, ईद है ना इसीलिए बहुत ज़्यादा रश है। ओके आपको निकाल देती हूँ 1 मिनट। हमारे पास फोक नहीं था तो हमने ये गत्ता काटा और इसी से हम लोग जो है ना कट कर रहे हैं केक को। ये लो, हाँ नहीं उठाओ ऐसे, आराम से खा लो। आई वॉन्ट माई डोनट। ओके इसे ओपन करो। बहुत ज़्यादा रश है पार्क में, और मगरिब भी हो गई है। हाँ ऐसे ये देखिए, मैंने ये वाला चूज किया था, हसनैन ने ये वाला लिया था, और ये हानि का है। चलो भाई सालगिरह तो हो गई, मज़ा आया। ये लो मुसाफिर, सीधा करो मुंह। अभी थोड़ा सा मम्मा भी खाएगी, यम्मी है। चलते हैं फिर वहां से जूस भी लेते हैं। झूलों पे इतना रश है, तोबा तोबा।
चलो इधर से ही आ जाओ। उसको मैंने बोला चलें जी, बहुत इंजॉय हो गया था। अभी हम घर के लिए जा रहे हैं, बस निकल गए थे क्योंकि रात भी हो गई थी और उसके अलावा घर जाके कोर्स भी लेना था बच्चों का क्योंकि मंडे से स्कूल स्टार्ट है इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आज का पसंद आया होगा। और ये देखो जी, अभी अभी हम लोग जो है ना घर आए कोर्स लेके। ये हसनैन लोगों का कोर्स लाई हूँ मैं, ये हसनैन का ही है। बहुत सारी हैं। हानी का जो है ना, ये देखें बुक्स। एक मिनट हानी छोड़ो। SST ड्राइंग कंप्यूटर ताला पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड की, इन्होंने साइंस की रखी हुई है। उर्दू काउंटडाउन मैथ। उसके अलावा ये साथ में कॉपीज़ हैं और ये डायरीज़ हैं। ये सारा हानिया का आया है और ये आया है हसनैन का जी। हसनैन की कौन कौन सी बुक्स हैं देखते हैं, इधर करो। अच्छा, इनकी इस दफ़ा ना मैथमेटिक्स की ये वाली रखी हुई है, पहले इनकी वो डिफरेंट वाली थी। इस दफ़ा इनका कोर्स थोड़ा चेंज हुआ है। ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस की इन्होंने विजन 4 की रखी हुई है। ये इतनी यार मोटी मोटी बुक्स बच्चों की दी हुई है। इंग्लिश, हाँ सॉरी इंग्लिश। ये कंप्यूटर की है, ये है SST सोशल स्टडीज़, ये मुताला पाकिस्तान, ये है जी ब्लैंक ड्राइंग, ये है उर्दू, ये है ऑक्सफोर्ड की साइंस। इनकी जो है ना ऑक्सफोर्ड की ही होती है, ऑक्सफोर्ड की साइंस। और ये इनकी है ड्राइंग द बेस्ट आर्ट। साथ ये कॉपीज़ हैं और ये डायरी है। ये सारा कोर्स जी कुल मिला के आया है जी 10,000 रुपये का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेके आ गई हूँ मैं। अब मंडे से जो है ना, या खुदा या बार क्या हो रही है। बारिश नहीं हो रही, ऊपर से पत्थर और मट्टियाँ गिरा रहे, पता नहीं क्या कर रहे। बारिश हो रही है तो बस तफ़िरुल्ला। गली की हालत देखो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स भी आ गया है और ईद भी ख़त्म हो गई है। मंडे से वापस से बैक टू नॉर्मल रूटीन में जाने वाले हैं। वही स्कूल, वही घर के काम काज, वही सफाइयाँ, क्लीनिंग है। और मतलब के हम फिर से डूबने वाले हैं। तो आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। ईद भी गुजर गई, सालगिरह भी हो गई, सब हो गया, बहुत मज़े कर लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।